नमस्कार, बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर शहर में प्रशासन की ओर से नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके चलते सभी अधिकारियों को कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन स्टोरेज बढ़ाने के आदेश दिए जाने की जानकारी नागपुर जिले के जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे ने दी। थाना क्षेत्र के नारीघाट परिसर में नशे की हालत में पिस्टल लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम अलेक्जेंडर जेम्स कुलसंगी इंदौरा निवासी है। आरोपी से दो जिंदा कारतूस भी मिले हैं। न्यायालय ने आरोपी को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बेड़गांव में मंगलवार की रात संपत्ति के विवाद के चलते मध्यस्थी एक व्यक्ति की रॉड से सिर फोड़कर हत्या कर दी गई। सास की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में बाधा बनने के कारण मध्यस्थी की हत्या किए जाने की आशंका है। इमामवाड़ा के उनखाना मैदान के पास एक युवक ने अपनी प्रेमिका के गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद प्रेमिका को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गया। यह वारदात मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे हुई। आरोपी इमामवाड़ा निवासी निखिल दम के है, जबकि जख्मी युवती का मेडिकल अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक मतदाताओं की फोटो की मतदाता सूची में नहीं होने की बात सामने आई है। मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी द्वारा मतदाताओं की फोटो एकत्रित किए जा रहे हैं। नागपुर शहर में मंगलवार को उमस भरी गर्मी ने बेहाल कर दिया। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे, लेकिन बादल बरसे नहीं। हालांकि शाम को शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, पर वहां राहत देने वाली नहीं थी। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 अंतराल में बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 108वां दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक होगा। ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। 9 जुलाई को विशेष व नियमित दोनों ही दीक्षांत समारोह होंगे। जिला परिषद की 16वीं एवं पंचायत समिति की 31 जगहों के लिए 19 जुलाई को उपचुनाव होगा। 1115 मतदान केंद्र के मार्फत 6,16,016 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मतदान के लिए प्रशासनिक मशीनरी तैयार हो चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। इसके तहत लॉकडाउन लगाने की बात भी तेज पकड़ रही है। शहर में मनपा ने तो सोमवार को तीसरी लहर से बचने के लिए नई नियमावली भी जाहिर की है, पर सच्चाई तो यही है कि अब हम तक कोरोना की दूसरी लहर से नहीं उबर पाए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब तक नहीं गई है, लोग आज भी जूझ रहे हैं। लोगों को अब तक दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की भारी किल्लत है। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने रोड एक्सीडेंट में जान हानि को कम करने के लिए रोड के बैक स्पॉट यानी दुर्घटनाग्रस्त स्थलों को उपाय योजना कर कम करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। वे संसद सदस्य रोड सेफ्टी समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वीसी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। बीसी न्यूज के खबरें सुपर फास्ट भी फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।